इसी ग्राउंड के अंदर साल में एक बार किसी कृषि उन्नति मेले का आयोजन करते हैं, और जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है कि लैब टू लैंड, पहले भी मेला का आयोजन होता था, यहां बैठे वैज्ञानिक अधिकारियों को पता है कि 3 दिन में 4-5 हजार किसान आते थे और बीज खरीद के इनके नए वैरायटी का बीज खरीद के चले जाते थे। लेकिन पिछले वर्ष से हमने शुरू किया है और पिछले वर्ष तो 3 लाख से ज्यादा किसानों ने यहाँ पर आकर इसका लाभ उठाया था, और आज पहला दिन है और जिस रफ्तार में किसान आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये 3 दिनों के अंदर ये संख्या और बढ़ने वाली है। सतत कृषि विकास की आवश्यकता को साकार करने के लिए आमदनी बढ़ानी है, तो आमदनी यदि बढ़ानी है तो निश्चित रूप से हमें लागत कम करना पड़ेगा और सतत उत्पादकता को बनाए रखना पड़ेगा। मुझे ध्यान में आ रहा है, जब मैं मंत्री बना था तो हमने देखा कि 2007-08 में पूरे विश्व के देशों को एक चेतावनी दी गई थी कि सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट करो, मिट्टी मर रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जरा देखो सरकार क्या कर रही है, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस दिशा में कागजी प्रयास हुए थे ये बताने के लिए कि किसी को बताए कि हमने कुछ शुरू किया है, मिशन मोड में कुछ नहीं हुआ। सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए थोड़ी बहुत राशि राज्यों को, थोड़ी बहुत